हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज एक न्यू प्रोजेक्ट, मैंने आपको बताया था मैं इन्वेस्टमेंट्स कहीं भी आएंगी आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूँ। मैंने अभी कल वीडियो बनाया, बहुत ही खुशी की बात है कि वो काफ़ी सक्सेस मिली उस वीडियो से, क्योंकि एक ब्रांड, एक बहुत बड़ा ब्रांड, अभी नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया गया अभी हमें, जो कि NH8 के पास एक प्लॉटिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली NH8 नहीं है, थोड़ा NH8 से दूर एक प्लॉटिंग लेके आने वाला है। और लोगों ने 70,000 के रेट पे, अगर गुड़गांव के नियर बाय कोई प्लॉटिंग आ रही है तो आई थिंक लोग बहुत जल्दी ब्रांडेड फर्म को चेक्स दे रहे हैं। और आज बहुत सारे चेक्स हमें मिले। मैंने आपको बिल्डर का नाम, अगर आपने मुझसे पूछना है तो फ़ोन करके एक बार पूछ सकते हो, और बहुत सक्सेस मिली और उसका वीडियो दोबारा भी बनने जा रहा है। धाड़ूवेड़ा एरिया है उसके पास में, बट जो बिल्डर उसको लेके आ रहा है 130 करोड़ में, 130 एकड़ में टाउनशिप बसाने जा रहा है, उसका नाम सुनते ही लोग परचेज कर लेते हैं, उसको पहचान की जरूरत नहीं है, वो पहचान बना लेता है उस एरिया में जाके। अगर आपको फोन पे मुझसे उसका नाम पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड, आज का मेरा वीडियो गोवा के लिए है। गोवा मैं क्यों करने जा रहा हूँ गोवा, उसका रीजन समझो, क्योंकि लोग अभी दिल्ली की प्लॉटिंग से परेशान हैं, उनका पैसा अभी फिलहाल दिल्ली में नहीं बढ़ रहा। सोनीपत बेल्ट में अगर हम रेंटल इनकम को देखें, आज पूरी इंडिया को देख लें तो रेंटल इनकम इतनी अच्छी नहीं आ रही इंडिया में, एक्सेप्ट गोवा एक ऐसा प्लेस है। मैं गोवा की इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा बता दूं, हाईएस्ट GDP अगर हमारी किसी स्टेट की है तो वो गोवा की है, 91,417 करोड़ रुपए। बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, 11.6 मिलीमीटर पैसेंजर्स पर एनएम इन 2023, मतलब पैसेंजर्स का फ्लो सबसे ज्यादा अगर छोटी सी कोई स्टेट में है तो वो गोवा में है। दो दो एयरपोर्ट की जरूरत नहीं होती इतने छोटे से एरिया के लिए, दो एयरपोर्ट बहुत बड़ी बात हो गई, डाबलिम एंड मोपा दोनों एयरपोर्ट एक्टिव है, और शायद यहाँ पे पूरा दिन 16 फ्लाइट से एक दिन में यहाँ से टेक ऑफ होते हैं। 139% राइज इन द फॉरेस्ट टूरिस्ट, बाहर के जो टूरिस्ट हैं 139% राइज हो चुके हैं हर साल हो रहे हैं। 32 फाइव स्टार होटल, कोई लॉजिक नहीं बनता इतने छोटे इस एरिया में 32 फाइव स्टार होटल्स का, लॉजिक तभी बनता है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो है। जब इतने सारे टूरिस्ट पूरी इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं तो आप समझिए कि यहाँ पे प्लॉट होटल्स की जरूरत पड़ेगी, रिजॉर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। यही रीजन है कि 24 घंटे मतलब 24 अगर हम एक साल की बात करें 365 डेज की, तो कोई ऐसा मंथ नहीं जब सारे होटल्स फुल ना मिले आपको। यही रीजन है कि रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। अगर हम एवरेज इंडिया में किसी भी कोने में इंडिया के 1 करोड़ रुपए खर्चे दिल्ली में ही, तो आपको पता है रेंटल इनकम 20 से 25 हज़ार ही आ पाती है, मतलब 2 या 3%। बट गोवा एक ऐसा प्लेस है जहाँ रेंटल इनकम 10% तक देखी गई है, और विद प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ, आप चलो मेरे साथ एक दिन गोवा। तो 10% रेंटल इनकम का मतलब हो गया 1 करोड़ लगा के 10 लाख। अब कई लोगों को ये डर लगता है कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं गोवा कैसे अपनी प्रॉपर्टी को सर्च करूंगा, तो गो फॉर ब्रांड्स। DLF अगर पैसा ले रहे हैं फॉरेन कंट्री से लोग डाल रहे हैं, पहले तो अपनी सोच को बड़ी करो। अगर कोई पर्सन रोहिणी में आज वो देख रहा है कि मेरा प्लॉट के पैसे नहीं बढ़ रहे और वो फाइनेंसर है और वही सोच वो कंटिन्यू कर रहा है कि मैं DDA में फंसा रहा हूँ, तो वो पैसा नहीं बढ़ा पाएगा। आपको सोच को बड़ा करना पड़ेगा अगर पैसा बढ़ाना है। एंड यूजर हो तो कोई बात नहीं, फिर तो छोड़े रखो 8 साल तक, पर अगर पैसा बढ़ाना है तो सोच को बड़ा करो। अगर डिस्टेंस मैटर नहीं करता प्लॉट्स में, अगर ग्रुप अच्छा है, रिलायंस अगर आपको प्लॉट देगा तो कब्जा नहीं करेगा, अगर आपको कोई बड़ा बिल्डर प्लॉट दे रहा है तो कब्जा नहीं करेगा। तो आज मैं जिस बिल्डर की NSE ये समझ लो 5 बिलियन नेट वर्थ जिस बिल्डर का है, उसके बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। नाम है बिल्डर का लोधा ग्रुप, लोधा
जो है उसने एक छोटी सी एक फर्म बनाई है, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। ये लैंड में डील करती है बेसिकली, इसका काम होता है लैंड को डेवलप करना। और आई थिंक अगर 5 मिलियन नेट वर्थ अगर किसी फर्म की है तो सोचो कि वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, वो आपके 1 करोड़ लेके भागने वाला नहीं है। तो आप दिल्ली में बैठे हैं, गोवा नहीं विजिट करना चाहते, मत करो, आपको यहीं से बैठे बैठे रेंटल इनकम भी दी जाएगी हमारी कंपनी की तरफ से, आपको प्लॉट भी देगा, विला भी दिया जाएगा, विला बना के भी दे सकते हैं अगर आप ऑप्शन दोगे तो। अगर हम बात लोधा ग्रुप की करें तो अभिनंदन लोधा ग्रुप की, तो इन्होंने काफी अच्छा काम साउथ में किया, नंबर 1 पे थे, और अब इन्होंने गोवा में एक गल्फ ऑफ गोवा के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया, 100% सक्सेस एंड सोल्ड आउट। तो अगर आपके मन में कहीं भी ये डाउट है कि हमारा कहीं प्लॉट कब्जा तो नहीं हो जाएगा, तो फर्स्ट थिंग रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट लो, या रेरा जिसका आने वाला हो, या NSE लिस्टेड प्लेयर है, कहीं कोई रिस्क नहीं है। हाँ, अगर आप जाके खेत में जाके एक जमीन ले आओगे और उसमें कोई CLU नहीं है और किसान वहां पे कब्जा कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, पर रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स और बिल्डर की रेपुटेशन को देखते हुए कभी आपका नुकसान नहीं होगा, ये बात कंफर्म याद रख लो। और अभी फिलहाल मैं लोधा ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। 130 एकड़ की टाउनशिप है जो कि अभी बनाई जा रही है, 130 एकड़ की टाउनशिप ये बनाया गया है। मैं आज आपको कुछ विजुअल्स भी, एक दो पॉइंट्स बता के मैं कुछ आपको विजुअल्स भी बताने जा रहा हूँ। अब 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, पहले कुछ क्लिपिंग देखिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप समझिए पहले कि अभिनंदन लोधा प्लॉटिंग कैसे। विजुअल्स दिखाए हैं, अब आप समझिए इस बात को कि 130 एकड़ की टाउनशिप है टोटल, 130 प्लस एकड़ की मान के चलो, 70 एकड़ में हम इसमें लेके आने वाले हैं प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, बाकी 60 एकड़ में एमिनिटीज। 70 एकड़ की जो प्लॉट्स हैं उनमें, मैं पहले प्लॉट्स का क्लियर कर दूं सारी डिटेल। प्लॉट्स में हम स्टार्टिंग साइज 168 गज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू 99 लाख के करीब हो सकती है, अभी टेंटेटिव है सब कुछ। ये बॉक्स प्राइस पे काम करता है, ये जो बिल्डर है लोधा ग्रुप, ये आपको ये नहीं बताएगा EDC IDC अलग अलग कुछ नहीं बताने वाला, ये आपको सीधा बताएगा कि अगर बॉक्स प्राइस, लाइक अगर उसने 168 का प्लॉट, गज का प्लॉट 99 लाख में बताया तो उसमें सब कुछ इंक्लूड है। अगर उसने कॉर्नर का कोई प्लॉट बताना होगा तो उसके अलग डिटेल है। आपको करना क्या है, 45,000 रुपीज सिर्फ ओनली एक बैंकेबल, मतलब आपको इनको डायरेक्ट कंपनी को ट्रांसफर करने हैं, और क्योंकि लोधा ग्रुप पे लोगों को ट्रस्ट है इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 45,000 ट्रांसफर करके एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिलअप करके कंपनी को देना है। अभी हम अलॉटमेंट करने जा रहे हैं इसका, जिस दिन अलॉटमेंट होगा उस दिन आपका अगर नंबर आ गया इसमें तो आप ये समझ लो कि आपका पैसा 2 साल में जब तक प्रोजेक्ट तैयार होगा आपका डबल है, तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इसको। और फिर उसके बाद विला बना लो, रेंटल इनकम आनी शुरू, 1 करोड़ की 1 लाख रुपए रेंटल इनकम पूरी जिंदगी के लिए फिक्स हो गई आपकी। हम जो टाउनशिप है 60 एकड़ की, उसमें अगर आप देखो ध्यान से तो हम क्या क्या देने जा रहे हैं, 5 स्टार डेवलपमेंट्स, 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार लग्जरी क्लब हाउस, ब्रांडेड फूड एंड बेवरेजेस, ब्रांडेड जिम्स एंड एमिनिटीज। तो सोचो 60 एकड़ में अगर हमने इतनी बड़ी 5 स्टार होटल्स दे दिए तो समझ लो कि आपकी जो प्लॉटिंग है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई। तो एक बार फिर सुन लो, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 130 एकड़ प्लस की टाउनशिप है, 70 एकड़ प्लॉटिंग निकालेंगे, बाकी की 60 एकड़ जमीन हम देंगे
एमिनिटीज के लिए, जिसमें 5-स्टार होटल्स, ब्रांडेड फूड एंड बेवरेजेस, ब्रांडेड जिम्स एंड एमिनिटीज। इससे फायदा क्या होने वाला है सुनिए, जो भी फॉरेन से, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं गोवा को, फॉरेन से कोई आया वो होटल में स्टे करेगा, और विला में, लाइक सपोज करो एक फॉरेनर आया होटल में स्टे किया, उसकी कोई फैमिली मेंबर है, उसका विला है, वो विला में रहेगा, या कुछ लोग विला में रहेंगे, कुछ लोग फाइव स्टार एमिनिटीज यूज करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि जो पर्सन अपने विला में रहता है वो ये 5-स्टार एमिनिटीज भी यूज कर पाएगा, क्योंकि वो इन हाउस में ही सब कुछ बनने जा रहे हैं। तो समझो इस बात को कि आज अगर आपको पैसा कमाना है तो गोवा में पैसा लगाना अनसेफ नहीं है, अपनी सोच को बदल दो। अगर आपके पास 34 सेक्टर में 3 प्लॉट पड़े हैं, एक को बेच दो, ये मत देखो कि 2-4 लाख 5 लाख का नुकसान हो रहा है या कहीं और पड़े, बहादुरगढ़ में पड़े, कहीं भी 3-3 प्लॉट पड़े हैं, एक को गोवा में उठा के लगा दो। रेंटल इनकम की जिम्मेवारी मेरी, मैं आपको रेंटल इनकम जनरेट करके दिखाऊंगा 1 करोड़ के बदले 1 लाख रुपए महीना, जो कहीं पूरे दुबई और गोवा को छोड़ के कहीं नहीं मिल सकते। सो आज ही फोन मेरा ऊपर नंबर फ्लैश है, पहले तो अगर आपको लगता है कि मैंने ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो एनर्जी, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल का मतलब समझ लो, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दूसरे की एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लगातार आपको देता रहूं तो एनर्जी लेवल को बूस्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप एक कीर्तन जब किया जाता है तो अगर आप उसमें से रिस्पॉन्स देते हो, बार बार पर्सन क्यों कहते हैं कि आप रिवर्ट करो कुछ, ताकि आप में एनर्जी बनी रहे उसमें जो कीर्तन कर रहे हो उसमें एनर्जी। सेम जब कोई वीडियो बनाता है तो उसकी एनर्जी मिलती है उसको सब्सक्राइबर के बढ़ने से, तो उस वीडियो पे और मेहनत करेगा वो। सो मैं शॉर्ट में आज कुछ दोबारा एक पॉइंट क्लियर करने चाह रहा हूं ताकि आप भूलो मत। लोधा ग्रुप में 45,000 का चेक सिर्फ स्कीम है, थोड़े दिन की और है, 13 तारीख को उम्मीद है कि हम नेक्स्ट मंथ की 4-5 तारीख को इसके अलॉटमेंट करने जा रहे हैं, 10-15 दिन बचे हैं। 45,000 का बैंकेबल ईओआई, आप कल ही फोन उठा के मुझे बुक करा लो प्लॉट्स और अपनी सोच को बदलना शुरू कर दो। कोई कब्जा नहीं हो सकता गोवा में, प्लॉट दूर हो नजदीक को प्रॉफिट देना चाहिए। ये क्या फायदा हुआ कि आपने प्लॉट ले लिया और 10 साल तक पड़ा है और कुछ नहीं बढ़ रहा, तो वो बेवकूफी है। सो अभी फिलहाल दो चीजें हैं जिनमें कि आप पैसा इमीडिएट लगा सकते हैं, सोनीपत बेल्ट, पीपी ग्रीन, प्रॉफिट 100% होना है। एलडीको में भी चांसेस है, मारुति आने के बाद प्रॉफिट होगा। रिलायंस मेड सिटी, तो वो तो खैर यूनिक है, उसमें तो कोई दुनिया की ताकत प्रॉफिट को रोक नहीं सकती, पर अभी स्टिल रेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आगे आने वाले टाइम में वो ग्रोथ करने जा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो प्लॉटिंग ही नहीं है, आज भी मैंने बात की आरओएफ में कोई प्लॉट नहीं बचा इनके पास, जेएमएस में कोई प्लॉट नहीं है, रीसेल पे कोई एक आध आ जाए तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अगर हम बात करें अब आपको निकलना पड़ेगा या तो सोना, गुड़गांव वालों के लिए अब 2 जगह बचे हैं, इधर आ जाओ सोना पे या आ जाओ इस साइड रिलायंस पे, और तीसरी जगह मानेसर धारूगेड़ा की उस साइड सारी प्लॉटिंग अभी खाली पड़ी है। अब आपको 3 डायरेक्शंस में मूव करना पड़ेगा, और मैं आपको क्लियर कर दूं कि गुड़गांव के लोगों के लिए अब 2 ऑप्शंस हैं, रिलायंस में वो पैसे लगा चुके हैं, अब आ जाओ धारूगेड़ा की तरफ। कल ही एक बहुत बड़े बिल्डर ने अभी 2 दिन पहले लॉन्चिंग किया, बहुत ही एनएससी लिस्टेड प्लेयर है, अपना पैसा वहां लगा सकते हो। आखिरी ऑप्शन, 3 प्लॉट पड़े हैं आपके, एक यहाँ पे रोहिणी में पड़ा है, एक आपका प्लॉट ईडा में पड़ा है, एक आपका प्लॉट कहीं और पड़ा है गुड़गांव में, एक को निकाल दो जहां आपको लग रहा है कि अब स्टेबिलिटी है, नहीं बढ़ रहा पैसा, निकाल के लगा दो गोवा में, इनकम गारंटेड होगी। गुरु नानक प्रॉपर्टी ने स्टैंप लगा दिए लोधा ग्रुप पे, कोई दुनिया की ताकत इसको हिला नहीं सकती। सो मेरा ओपन नंबर फ्लैश है, कॉल करो और ये वाला प्लॉट बुक करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।